ब्रेक परे स्वागत। प्रधान शिक्षकों बदली प्रतिवाद ब्लॉक शिक्षाधिकारी ऑफिस घेरिले ग्रामवासी। केन्दुझर जिला हाटडीही ब्लॉक गोपालपुर उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षकों बदली होता, किंतु उक्त बदली बंद करने को मलारपदा भातकरुआ काठियासरा चोरगढ़िया और गोपालपुर शताधिक ग्रामवासी बीओ ऑफिस घेराव करिसेंति। ब्लॉक शिक्षाधिकारी ग्रामवासी माने ए संबलित एक दाबीपत्र प्रदान करथिले। सर कहते बिना ये कम्प्लेन करेंगे चाहूँ शत्रुघ्न सार ए स्कूल छाड़ी जाना आम छुआ पूरा बेकार हो जाए सीए जिते दिन रही आम छुआ आग को उन्नति करेंगे बोली आम आशा से सब अभिभावक मैंने आठार उपस्थित हो गोपालपुर स्कूल गोटे सुनामधन्य स्कूल रेकर्ड होता बहुत ना भी नहीं था, किंतु वर्तमान जो स्कूल मात्र 10 वर्ष है पाठ पढ़ूला किसी ना आम छुआ भल रेकर्ड कर बिना पैसा ट्यूशन होती गोटे बदनाम करने केतक छुआ पढ़ूना से आसिक गोटे पेपर दे आम गाँववास मैंने सब आसीचु जो मैंने छुआ पढ़ुं साउं माँ मान भी आसमें भी आसू से छुआ मान भविष्य आम अफिश घेरू कर विभिन्न समस्या समाधान दाबी रे गंजाम जिला पोलसरा ब्लॉक कार्यालय सम्मुखरे विक्षोभ प्रदर्शन करिसेंते निर्माण श्रमिक। 13 दफा दाबी ने विक्षोभ प्रदर्शन करिसेंते निर्माण श्रमिक। अखिल भारतीय निर्माण श्रमिक संघर जातीय संपादक रामकृष्ण पंडा और राज्य साधारण संपादक प्रदीप सेठी नेतृत्व में शताधिक महिला पुरुष निर्माण श्रमिक मैंने विक्षोभ में सामिल होते। एने वीडियो शंभुनाथ नंदी को दाबीपत्र दि जा केन्द्रापड़ा महाकालापड़ा ट्राफिक नियम सचेतना कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाएछि। मार्सघाई थाना अधिकारी और महाकालापड़ा थाना अधिकारी महाकालापड़ा यूथ ग्रुप सदस्य माने मिसी लोकों को ट्राफिक नियम उपर सचेतनता कराइथिले। हेलमेट पिंधिथिबा गाड़ी चालकों को मीठा खुआई सचेतनता कराइथिले। आज महाकालपड़ा यूथ क्लब और महाकालपड़ा पुलिस तरफ गोटे ट्राफिक सचेतनता अभियान आरंभ होने जो मैंने हेलमेट पिंधि मान निरापद बाइक निरापद जात्रापी हेलमेट पिंधि प्रोत्साहित करने मैंने महाकालपड़ा यूथ क्लब तरफ समस्त शिक्षा प्रदान कर प्रोत्साहित कर। आज महाकालपड़ा यूथ ग्रुप द्वारा दिन 10 बेले मार्साई क्रसिंग में गोटे हेलमेट पिंधापी सचेतनता कार्यक्रम शुरू कराइला जो थे लोक मिठा दे जो मैंने हेलमेट पिंधे से मिठा दे से स्वागत कराइला और धन्यवाद दिखाई से हेलमेट पिंधे से सुरक्षापी और ये अवेयरनेस कार्यक्रम आपर महाकालपड़ा यूथ ग्रुप को करें बहुत सराहनीय और बहुत बढ़िया कम एमती करूँ और लोक मान द्वारा जागरूकता सृष्टि हो जहाँफल हेलमेट पिंधे और निज जीवन बचा सहित निज फैमिलर उपयुक्त केयर नहीं पारे। कार्यक्रम वर्तमान आम महाकालपड़ार गोपालपुर चली हेलमेट जो बंधु मैंने पिंधुं हेलमेट व्यवहार करूँ से आम मिठा खुआई प्रोत्साहित करूँ कारण दुर्घटना होनेक जीवन जाऊ विभिन्न प्रकार असुविधा पड़ुं से जो मैंने मानने बंधु मैंने हेलमेट व्यवहार करीठा खुआई संपर्क स्थापन करपड़ा यूथ ग्रुप र अभिनव प्रयास। गंजाम जिला कोदला ब्लॉक फासीठारे थिबा माणिकेश्वरी विद्यापीठ में शिक्षक सामग्री मेला अनुष्ठित होई छि। कांडसरा क्लस्टर साधना संयोजक नारायण सेठी तत्वावधान में यह मेला अनुष्ठित होता बेले 710 शिक्षक सामग्री प्रदर्शन करा 11 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री जोग देथिले। फिल्म द्वारा आम पाठटी को अधिक भल भाव बुझीपु एवं एतक शिक्षण जिनस गुड़िक आम जापु एवं आम शिक्षक प्रचेषार आम यही कार्यगुड़ संपूर्ण भाव भल भाव आम TLM करहस बढ़ाऊ आग्रह मन कर TLM द्वारा आम नूतन शिक्षा जापरिया और विभिन्न प्रकार पाठ को आम सहज बुझीपर एवं विद्यालय मानक यह व्यवहार यादव पिला पाठपढ़ा प्रति आग्रह होता है। ये गोटे भल प्रोग्राम जहाद्वे कौन पिला जो हिडन टैलेंट अच्छी तार विकास हो पार सहित शिक्षा शिक्षित हिडन टैलेंट विकास हो पार
ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ଦିଆହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା କ'ଣ ତାକୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପିଗଲା, ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବହୁତ ସହଜ ବା ସୁଗମ ଅଧିକ ହୋଇପାରୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା। କୋଦଳା ବୃନ୍ଦାବନ ଫାଣ୍ଡି ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଆସିକା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋୟୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ କବିସୂଚନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାରଣାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ସେବା ସପ୍ତାହ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ରାସ୍ତା ସଫେଇ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ପ୍ରଭୃତି ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପାଣି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋରର ଏହି ହେଉଛି ମହାରାଜା ୟଶବନ୍ତ ରାୟ ହସ୍ପିଟାଲର ଚିତ୍ର। ବାହାରର ବର୍ଷା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି, ଫଳରେ ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀରାମ ସିଲୱତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। अस्पताल में बारिश के कारण जो है काफी पानी का कहर पूरे मध्य प्रदेश में है। पानी अतिवृष्टि हुई है, यही कारण है कि एमवाई में पानी घुस गया है। इस संबंध में मैंने आकाश त्रिपाठी जी से उनसे चर्चा की, मैंने नगर निगम कमिश्नर आशीष सिंह से और अभी मैं कलेक्टर से भी चर्चा कर रहा हूँ कि आप विलंब पानी वहाँ से निकाला जाए, जिससे कि जो आने वाले मरीज हैं, जो पेशेंट में भर्ती हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं हो। क्योंकि पानी पूरे मध्य प्रदेश में, इंदौर के साथ पूरे मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि हुई है, पानी गिरा है, एक पीड़ा और एक कष्ट हम सबको, पूरी आम जनता को झेलना पड़ रहा है। इसके लिए मैं भी ये महसूस करता हूँ कि ये पानी अविलंब इस अस्पताल से निकाला जाना चाहिए। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରୁଛି ବିଜେପି। ଆଜିଠାରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସେବା ସପ୍ତାହ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଅମିତ ଶାହା ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫଳ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଶାହା। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳିବ। ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।